स्वच्छता मिशन 2018 का रिपोर्ट आ चुका है और इसमें झारखंड को ईस्टर्न जोन में तीसरा पोजीशन मिला है। ये एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन पूरे देश में झारखंड को कोई अच्छा स्थान नहीं मिल पाया। स्वच्छता के मामले में राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर पर आया है हरियाणा। सबसे ज्यादा मार्क्स हरियाणा को दिया गया है, जहाँ के लोग स्वच्छता में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और पूरे इंडिया में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाए तो सबसे स्वच्छ जिला जो है महाराष्ट्र का सतारा जिला को घोषित किया गया है। सतारा काफी फेमस है, मराठों के लिए जाना जाता है और इसे सबसे स्वच्छ जिला बनाया गया है। ईस्टर्न जोन में अगर बात करते हैं तो एक नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर है झारखंड। और ईस्टर्न जोन में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दो ऐसे शहर हैं जिनको सबसे बेहतर बताया गया है, उसमें एक है सूरजपुर और दूसरा है सरगुजा। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर है, दोनों को पहला पोजीशन मिला है, फर्स्ट पोजीशन पर है। और पश्चिम बंगाल के किसी डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड नहीं मिल पाया, झारखंड में ये अवार्ड मिला है हजारीबाग को, साफ सुथरा के मामले में जमशेदपुर को नहीं मिला है। ये एक अचरज वाली बात है, जहां पर इतना मेहनत किया जाता है और कंपनी और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति दोनों मिलकर काम करते हैं, इसके बावजूद अवार्ड चला गया है हजारीबाग में। जाहिर है कि जमशेदपुर में साफ सफाई का अभियान और तेज करना होगा, और जो जिन चीजों का यह स्थानीय प्रतिनिधि दावा करते हैं वो चीजें दिखाई भी पड़ना चाहिए। पूरे झारखंड को ओवरऑल प्रदर्शन में 10 रैंक के नीचे मिला है, क्योंकि पूरे भारत में जो 29 राज्यों में सर्वे किया गया उसमें एक नंबर पर अभी भी हरियाणा है। और ईस्टर्न जोन जब होता है, ईस्टर्न जोन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्य आते हैं। इन राज्यों में भी झारखंड का स्थान तीसरा आया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन झारखंड को और मेहनत करने की जरूरत होगी। और जो सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ और करना चाहिए, आपको क्या लगता है? झारखंड को स्वच्छता की दिशा में कदम उठाने के लिए और कौन कौन से काम करने की जरूरत होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम आपको जो भी जरूरत की चीजें होगी वह जरूर बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।